नमस्कार, द ग्राउंड रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर राजधानी भोपाल से। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी भाजपा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को यह बयान दिया है कि प्रदेश भाजपा कोविड 19 नामक बीमारी के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस जागरूकता अभियान में एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद और कम्युनिटी लीडर्स भी शामिल होंगे। पार्टी के थिंक टैंक की सोच है कि इस तरीके से लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के सभी उपायों की सरल तरीकों से जानकारी दी जाएगी। जून माह में यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर प्रशांत किशोर को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक धक्का प्लेट गाड़ी है और सेल्फ स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है। अब सेल्फ स्टार्ट होने के लिए किसी की मदद तो लेना ही पड़ेगी। उपचुनाव के लिए कांग्रेस खोज रही है ब्राह्मण चेहरा। इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा है ही नहीं, फिर ब्राह्मण चेहरा कहां से लाएगी। भोपाल से ये जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता ने बताया कि संविधान से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसका मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समर्थन किया है। वे बोले कि भारत से आत्मीयता का आभास होता है भारत शब्द से। भारत हमारी जननी जन्मभूमि है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और इसमें बदलाव होना ही चाहिए। भोपाल से आरिफ खान की रिपोर्ट। पूछो विषय क्या है सर? कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार जागरूकता अभियान चलाएगी। हमारे एनसीसी के जो लोग हैं, एनएसएस के जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जन अभियान परिषद से जुड़े लोग हैं और जो वहाँ के दुकानदारों भाई हैं जिस मार्केट के, तो इन सबको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि एक जागरूकता अभियान चलाएं। अवेयरनेस लोगों में आएगी तो सावधानियां आएंगी, सावधानियां और परेशानियां दोनों बताएंगे, जानकारियां भी बताएंगे, जिससे कि लोग जागरूक रह के अपना बचाव खुद कर सकें। आपने भी देखा होगा पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह का अपनाया कि सरकारें, तो महामारी पहले भी कई बार आई पर इस बार उन्होंने जनता की भागीदारी करी, थाली बजा के, दीपक जला के, शंख बजा के और जनता में जागरूकता आई और आज आप देखेंगे कि भारत अपना बहुत अच्छी स्थिति में रहा। ग्वालियर चंबल के लिए कांग्रेस को कमी, आप वो किसी तरह के उम्मीदवार नहीं मिल रहे उनको, कांग्रेस को वहाँ किसी तरह के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अभी तो हवा में है, जब धरातल पे आएंगे तब देखते हैं। सर, ये एक जो ट्रेंड देखने में आया है, लॉकडाउन का पांचवा चरण शुरू हो गया है, देश भर में एक ट्रेंड देखने में आया है कि जैसे जैसे छूट मिलती जा रही है लोगों में, इन्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या इससे निपटने की कोई कारगर योजना इस बार के लॉकडाउन में? देखिए, निपटने की योजना तो लॉकडाउन में पूरी तरह से बन गई है और इसलिए आप देख रहे होंगे इसके बावजूद भी डिस्चार्ज होने की संख्या बढ़ रही है, इसके बावजूद भी दुखद निधन की संख्या घट रही है। संक्रमण वो चूंकि उसका एक चक्र है, वो स्पर्श से बढ़ता है, इसलिए लॉकडाउन अनलॉकडाउन वन खुला है तो स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन अगर सरकार की तैयारी नहीं होगी तो ये दोनों बातों का भी जवाब साथ में आए कि डिस्चार्ज होने वाली संख्या कैसे बढ़ रही है और दुखद जो मौत है उनकी भी संख्या घट रही है। सर, कांग्रेस के पास इतने स्टार कैंपेनर होते हैं, ये स्वविवेक से धक्का परेड गाड़ियाँ हैं, सेल्फ स्टार्ट है ही नहीं, तो सेल्फ को स्टार्ट करने कोई तो आएगा। सर, सर एक याचिका लगाई गई है जिसमें इंडिया का नाम भारत संविधान में करने की है। अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, भारत के साथ ही एक आत्मीयता आती है, भारत के शब्द का प्रयोग करते ही आत्मीयता बढ़ती है और इंडिया शब्द आते ही एक पाश्चात्यता आती है। एक बात बताओ, विश्व के अंदर किसी भूमि को मातृभूमि कहा गया है तो वो भारत ही है। सिर्फ भारत को माता कहते हैं विश्व में, आपने सुना पाकिस्तान पिता, होनोलुलु माँ, या इंग्लैंड माता, आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हमें जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, इसलिए मैं उसको अच्छा मानता हूँ।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।